एक और अहम खबर आपको दें, जीआईटी को दुबई से अहम सबूत मिल गए। गल्फ स्टील मिल्स के कयाम से मुतालिक बहुत सी चीजें सामने आई हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स की तरह गल्फ स्टील मिल्स के मामले में भी दो नंबरी वाजे नजर आई। गल्फ स्टील मिल का तखमीना हकीकत से हटकर लगाया गया। दुबई की फैमिली के गल्फ स्टील मिल्स में 51% हिस्से थे। दस्तावेजात जीआईटी को दे दी गई है, जबकि जीआईटी से मुतालिक रोजनामा 92 न्यूज में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा 92 न्यूज एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना अजीम साहब, अहम इंकशाफात सामने आए हैं और ये स्टोरी आज 92 न्यूज के शात का हिस्सा भी है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को मज़ीद भी अपडेट कीजिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि चूंकि दुबई के अंदर ही कारोबार शुरू किया गया था शरीफ खानदान ने, जो अपनी इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, उसकी बुनियाद उन्होंने दुबई के अंदर जो गल्फ स्टील मिल थी उसको बताया था और दुबई से ही वहाँ नुकसान और फायदा सारा कुछ ये वहीं से बताते थे। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर हसासदारों ने ये टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तमाम मामले को, वो वहां पे गई, उसके दौरकार वहां गए, उन्होंने जाके वहां पे अलकायदा खानदान का फैमिली जो है ये वो फैमिली है जिसके साथ उन्होंने कारोबार किया था, जिनके 51% शेयर थे, उसके पास गए, उनसे वो तमाम मालूम हासिल की है, बैंकों से कागजात हासिल किए गए हैं, इंश्योरेंस कंपनी जिनके इनके मुताबिक इंश्योरेंस की रकम इन्हें मिल गई थी, लेकिन कागजात से इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली थी, क्योंकि उस लगने वाली आग, उस स्टील मिल में लगने वाली आग में एक जगह लिखा गया था कि ये आग को अभी नहीं तो तौर पर लगाई गई है, ये किसी साजिश के तहत सारा कुछ किया गया है। तो तमाम डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए गए हैं और शरीफ खानदान का एक अहम शख्स जो कि दुबई में एक वक्त में गिरफ्तार हुआ था, जिसे बैंक डिफॉल्टर किया गया था और उस वक्त जनरल जियाउल हक की हुकूमत थी और इजाजुल हक उसे रिलीज करा के लाए थे, उसके हवाले से भी बहुत सी अहम दस्तावेजात जो है वो जीआईटी ने हासिल कर ली है और उनमें बिल्कुल वाज़े तौर पर उन तमाम चीजों का दस्तावेजात। जो सबूत जीआईटी को हासिल हुए हैं इनकी अहमियत कितनी है और इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने में ये किस हद तक मुआवन साबित हो सकते हैं? देखिए, उसकी बड़ी अहमियत है इसलिए कि उन तमाम सबूतों में ये चीज वाजी हो गई है कि जो स्टार्ट इन्होंने अपना मनी ट्रेड का लिया था और वो तमाम चीजें गलत हैं। इन्होंने जो जो कहा था कि हमें गल्फ स्टील मिल सेल करने के बाद ये हुआ वहां से इतने पैसे आए या इतना नुकसान हुआ, वो तमाम चीजें गलत निकली हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि जितना हदीबा पेपर मिल में बहुत सी चीजें गलत थी, इसी तरह सीम इसमें भी चीजें बहुत सी चीजें गलत है, हिसाब किताब गलत है, जो उन्होंने बताया था वो नहीं है, जिससे बिल्कुल ये वाजे हो गया कि दो नंबरी बहुत ज्यादा हुई है और ये तमाम इसका आगाज से लेकर आखिर तक झूठ ही झूठ है। इसलिए वो तमाम चीजें हासिल डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए गए हैं और अपने आप अपने नागरिक को ये भी बताते चले कि दुबई के अंदर आज से पहले इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देने की आपत्ति थी और इन्होंने अपने जातीय सुरक्षा से वहां पर यह सारा कुछ रुकवा रखा था, मगर कतर और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले कलेश के बाद चूंकि इन्होंने सबसे ज्यादा कतर का साथ दिया है, जिस पर दुबई और सऊदी हुकूमत के बहुत से जिम्मेदारान इनसे नाराज थे, इसी बुनियाद पर सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है हम जीआईटी के हवाले। तो जीआईटी को रिपोर्ट मुरतब करने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं और ऐसे में ऐसे सबूत का मिल जाना काफी मुआवन साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राना जी।